जी की सीट है, गुरु जी की सीट, ये गुरु जी सीट है, सामने हेड ऑफ द फैमिली, ओके, वो साइड से इनके क्लोन रिलेटिव बैठते हैं, ओके, ये इनके ट्रेडिशनल प्रोग्राम पे आज भी यूज किया जाता है जब कोई कार्यक्रम, ओके, ये रूम आज भी यूज होता है ट्रेडिशनल प्रोग्राम, उप्स 150 चेयर्स डाइनिंग हॉल, ये लेफ्ट साइड है, नॉन किचन राइट साइड है, ये वेजिटेरियन है, यस, ओके, यहाँ पर भी है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन अलग, ड्रिंक के लिए ट्रेन चलती है, देखो ट्रेन रखी है शोकेस के अंदर, वाओ, सिंधियास ट्रेन 110 इयर्स ओल्ड खाने के लिए, इसमें देखो लिखा हुआ है सिंधिया, सिंधिया करेक्ट, ये सिंधिया कोल्ड जो बॉटल है वो लिकर के लिए होता है, बैकेट आइस क्यूब ड्राई फ्रूट और सिगार के लिए होता है, तो आप ये देख रहे हैं ए जो है ये लिकर के लिए है, हाँ, फिर आई से आइस क्यूब, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, फोर डिकेंटर जिसमें कैप है वो लिकर के लिए है, बैकेट आइस क्यूब और ड्राई फ्रूट के लिए, ओके, ये फोर जो यानी उसे कैप वाली है ये लिकर्स है, बाकी आइस क्यूब्स और ड्राई फ्रूट्स के लिए, नाइस ट्रेन, जब वो ये ट्रेन घर पे लेनी चाहिए, और वो रही पटरी जिसपे ये ट्रेन चलती है, और रनिंग के समय आपको जो भी चीज चाहिए है किसी भी कैप वाली बोतल को आप उठाइए, ट्रेन रुक जाएगी, तो करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है, बोतल को उठाएंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, आप देखिएगा, जैसे इन्होंने बोतल को उठाया ट्रेन रुक गई, अब आपको जो अपना लेना है ले लीजिएगा, पैक बनाइएगा, जैसे आप बोतल वापस रखोगे ट्रेन चलने लगेगी, सारों के इंडिया साउथ अफ्रीका का जब मैच हुआ था तो दोनों टीम्स ने यहाँ पर आके लंच किया था, इससे पहले भी पाकिस्तान की आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की आ चुकी है, जिम्बाब्वे की आ चुकी है, ओके, अभी अभी प्रिंस ऑफ कतर आए थे तब भी यूज किया गया था, प्रिंस ऑफ कतर आए थे तो भी यूज हुआ था, तो यहाँ पर उनको लंच कराता कौन है, पार्टीज में कौन रहते हैं, ओके, फैमिलीज रहती है सिंधिया की, महाराज का दरबार हॉल यहाँ पर होता क्या था, दीवाने खास, ये तो मुगल्स में होता था, या दीवाने आम दीवाने खास जो मीटिंग हॉल होता था, दीवाने खास मुगल नाम है, लेकिन ये सभा के लिए होता था, या अभी यूज होता है अब, लेकिन मीटिंग के लिए नहीं होता है, वैसे जनरली फैमिली में कोई आते हैं तब यूज होता है, अच्छा, 105 साल पुराने पंखे की हवा ले रहे हैं, ये 105 साल पुराना पंखा है, पहले ये डीसी था, एसी में कन्वर्ट किया, एसी में कन्वर्ट, सबसे पहले ये देखिए पूरे हॉल के अंदर सेंटर में कोई पिलर नहीं है, इसकी जो हाइट है 14 मीटर की, यानी 42 फीट की हाइट है, 42 फीट हाइट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट पेयर है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पेयर में कहीं भी नहीं है, अच्छा, ये वर्ल्ड का इकलौता है, साढ़े तीन टन का एक है, दोनों का 7 टन वजन है, 250 लाइट है, टोटल 500 लाइट है, 1874 में इनको जब यहाँ असेंबल किया गया था तो उससे पहले इस रूप को लोड टेस्ट किया गया था कि 7 टन वजन ले सकती है या नहीं ले सकती है, अच्छा, इस रूफ को टेस्ट किया गया था, हाँ, इसको टांगने के लिए पहले, इसकी रूफ को टेस्ट करने के लिए इस छत के ऊपर टॉप ऑफ द रूफ 8 एलिफेंट को चढ़ाया गया, ओके, इस छत पे 8 हाथियों को चढ़ाया गया था कि टूटे ना, ये चेक करने के लिए, चेक करने के लिए एलिफेंट कैसे ऊपर गए, उसके लिए पहले 1 किलोमीटर का रैम बनाया गया था, आप ये देखिए रैम जो देखे पहली विंडो देखिए आप जो ग्लास के आउटसाइड आप देखे, हाँ, जो फर्स्ट विंडो लगी है करेक्ट, उसके बाहर देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 स्टेयर आपको दिखेंगी, हाँ, रैम बनाया था एलिफेंट को ऊपर लाने के लिए, ओके, हाथियों को ऊपर लाने के लिए, किस सन की बात बता रहे हो आप मुझे, 1874 की बात, 1874 में ये हुआ था जी, उस समय जब देख लिया कि 8 एलिफेंट का लोड बियर कर लिया, उसके बाद फिर इनको असेंबल किया गया था 1x1, ओके, और ये आप जो देख रहे हैं हॉल डोर पिलर सीलिंग फर्नीचर 560 kg गोल्ड लगा हुआ है इस हॉल के अंदर, 560 kg गोल्ड है इस हॉल में, मेल्टेड गोल्ड है पूरा, और अगर कोई चोरी कर ले तो, नीचे जो कारपेट बिछा हुआ सिंगल पीस कारपेट है आप देखिए पूरा, वो इतना लंबा पूरा एक ही पीस सिंगल पीस कारपेट है वो दूर तक जी, तो ये बनाया किसने, 16 कैदियों ने 12 साल में इस कारपेट को तैयार किया, 16 कैदियों ने, तो ये कैदी कहाँ से लाए, इन्हीं के कैदी स्टेट के कैदी होते थे, स्टेट के कैदियों ने ये 12 साल में तैयार किया था, ये 16 कैदी 12 साल के द्वारा इसको तैयार किया, एक ही चीज से 12 साल, ये पूरा सिंगल पीस कारपेट है आप देख रहे हैं, इसका मेजरमेंट आप देखिए 100x60 फीट में 30x20 मीटर है पूरा, पता है, पता है, मैं घुमाया था, पता कर, अरे क्यों नहीं पता, सुन रहे थे, ये क्रिस्टल फाउंटेन देखिए आप, मैंने सुना था, मैंने सुना आपसे, तो इन्होंने घुमाया, ये कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने बताया था तुमसे पहले, ये आज भी रनिंग में है, ये BMW स्टिल रनिंग में नया हुआ है, BHP है, ओके, MP07W2255 मॉडल कौन सा है, 300, ये जो आप देख रहे हैं लाइट लगी है राइट साइड में, लाइट के बगल में हैंडल है, ये फ्रंट से ओपन होती है, फ्रंट से एंट्री है करेक्ट, जब गेट ओपन करेंगे तो स्टीयरिंग बाहर आ जाएगी, आप बैठ जाओ, गेट बंद कर लो, स्टीयरिंग पीछे आपके पास जाएगी, और ये 3 टायर है, 2 सीटर है, 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर है कि 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर, इसमें चौथा पहिया है का, इसमें चौथा भैया का है, 1946 BMW 300
जेटा, एजेटा 300 एजेटा। ओके, तो ये 300 सीसी की गाड़ी थी, 300 सीसी बस। और किस टाइम की बात है ये? 1946 300 सीसी बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू अगर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। स्पॉन्सर। वैसे बीएमडब्ल्यू से अनुरोध है कि ऐसी गाड़ियां दोबारा उतारें। ऊपर जो है ये मुरानो ग्लास है, देखिए मुरानो बैने से बनता है इटली में। ये मुरानो ग्लास है जितनी, ये जो झूमर लगा हुआ है। हाँ, इसका जो वेट है 1 टन वेट है, 1000 kg, 100 बल्ब इसमें जलते हैं। 100 ये माजा जीवाजीराव के द्वारा 1936 में शिकार किया गया था। 1936 में महाराजा ने शिकार किया था इसका। 1964 तक यहाँ पर माधवराव सिंधिया की फैमिली रहती थी। और माधव सिंधिया जी ये सामने वाले में रहते थे उस समय 2001 तक सामने। तो अभी उसको फैमिली गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया। तो जब रॉयल फैमिली यहाँ रहती है तो ऊपर लाइट जलती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी, और वहाँ पे फ्लैग भी आ जाता है। लेकिन अभी कोई रॉयल फैमिली है नहीं यहाँ पर, कोई नहीं रह रही है, तो अभी कोई लाइट और फ्लैग नहीं है। बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। गाइड जरूर करिए, वैसे अब आप लोगों को करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने आपको सारा किला घुमा दिया। मैं गाइड करते हैं जाके एंट्रेंस की, गाइस इट्स टू हॉट। मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 32-33 डिग्री टेम्परेचर होता है इसमें। बाहर जब भी आए पीने के पानी की, और हमें आपको अच्छी तरह से सन से प्रोटेक्ट करने की सारी व्यवस्था करके। ग्वालियर फोर्ट इधर से रास्ता है। सो राइट नाउ वी आर एट ग्वालियर फोर्ट। ये कितना यूनिक है, यहाँ पे कुछ पुरानी मूर्तियां रखी हुई हैं जैन धर्म से रिलेटेड। So hi, welcome back. It's too hot. Actually, we are at Gwalior Fort. पूछिए मत, बहुत लंबी चढ़ाई है, पैर दर्द होने लगते हैं। अगर आए तो प्लीज पर्सनल, अपना जो भी कन्विंस है उससे आए, या फिर कोई गाड़ी कर लें। लेकिन आपको पता ही है हम लोग तो एडवेंचरस हैं। सो हम बस निकल पड़े। अनमोल ने अपना बैक पैक तैयार किया और मैंने अपनी टांगों को तैयार किया कि हमें चलना चाहिए। लबों पे जो भी हो कह भी दो, ठहरा हूं मैं ये दिल की बातों को, रोको ना ठहरा हूं मैं। नशीली रात है, तारे भी साथ हैं, गुनगुनाते हम चलें शहरों की गलियों से। जाने क्यों ये पल पिघल गया फिसल गया, जाने क्यों ये पल पिघल गया पिघल गया। ये स्टैचू नीचे से है, देख सकते हैं कितनी गहराई से है ये, और ये फिर ऊपर तक गया है, और ये बीच में कवर है दीवार के थ्रू, एंड इट्स क्वाइट बिग। एज यूजुअल हम अभी तक चढ़ ही रहे हैं। पता नहीं अनमोल को क्या हो गया, थक क्यों गया, क्यों थक गया भाई? थकते नहीं हूँ मैं, थकते नहीं हम लोग, थकते नहीं हम लोग, हम लोग नहीं थकते। हाँ हमारे दुश्मन। हाँ बस हम बैठ जाएं क्या? Does perfect even mean? Is there even such a thing? This is the basically life.
लाइट शो ऑफ वन मंदिर और उत्तम से तो ग्वालियर किला इज नाइस बट आई कैन नॉट से दैट इज बेटर देन लाल किला लाइट शो और लाल किला लाइट शो ऑफ आगरा दिस इज गुड बट नॉट मच बेटर एक्चुअली हिंदुस्तान में महल तो बहुत ही रहे पर ऐसा कोई नहीं अरे ये इतना ऊंचा है कि हवा भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकती नायाब मोती है हिंदुस्तान के शरीर पर सजे महलों की माला